सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम को आज बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन पूरे हो रहे हैं और यह फिल्म अपने 8 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म गुंटूर कारम के टोटल 7 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे ये फिल्म अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म गुंटूर कारम जिस फिल्म में देखने को मिले थे तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार महेश बाबू, और उनके साथ नजर आई थी श्री लीला। बता दें कि इस फिल्म को भी कल सिनेमाघर में 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका था और आज से इस फिल्म ने 2रे हफ्ते में कदम रख दिया है। हैरानी की बात यह कि फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन इस फिल्म ने महेश बाबू के स्टारडम की वजह से बॉक्स ऑफिस पर 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। उसके बाद फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन भी जबरदस्त रहे। वहीं 2रे हफ्ते में फिल्म की जो स्क्रीन है वो कम हो चुकी है, लेकिन कम स्क्रीन पर भी यह फिल्म 2रे हफ्ते में डिसेंट कमाई कर रही है। जी आपको बता दें कि आज से बहुत सारे तेलुगु सिनेमा की और तमिल सिनेमा की नई नई फिल्में रिलीज हो गई, जिसके चलते गुंटूर कारम की स्क्रीन को कम कर दिया गया, लेकिन फिल्म के जो कलेक्शन है वो 2रे हफ्ते के हिसाब से अभी भी काफ़ी बढ़िया होते जा रहे हैं। जी अगर बात करें गुंटूर कारम के अभी तक यानी कि 8 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो महेश बाबू की गुंटूर कारम ने शुरुआती 6 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 129.50 करोड़ रुपये का किया था। वहीं 7वें दिन फिल्म ने 6.23 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 8वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो आज फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो कल के मुकाबले हल्की सी ड्रॉप हो गई, लेकिन स्क्रीन कम होने की वजह से कलेक्शन में एक बड़ा उतार देखने को मिला। जी अभी तक की आई रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर गुंटूर कारम अब फिल्म अपने 8वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 5.50 करोड़ रुपये का, और इसी के साथ गुंटूर कारम का 8 दिनों के अंडर इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है 141.29 करोड़ रुपये। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 165.21 करोड़ रुपये, ओवरसीज मार्केट से 39.65 करोड़ रुपये की कमाई की, और इसी के साथ गुंटूर कारम का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 217.86 करोड़ रुपये हो चुका है। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर में 217.86 करोड़ रुपये की कमाई 8 दिनों के अंदर कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ 150 करोड़ रुपये, और फिर अब बॉक्स ऑफिस पर जहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके बहुत सारे एरियाज में हिट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कैप्टन मिलर मूवी के बारे में, पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर ख्वाजा बॉक्स ऑफिस पर 8वां दिन चल रहा है, और ये फिल्म आज अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म कैप्टन मिलर के टोटल 8 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो तमिल फिल्म कैप्टन मिलर जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे धनुष, डॉक्टर शिव, राजकुमार, सुदीप, किशन, फिल्म को रिलीज किया गया था पिछले हफ्ते, यानी कि फिल्म को सिनेमाघरों में आज 2रा हफ्ता शुरू हो चुका है और फिल्म ने आज कंप्लीट कर लिया है 8 दिनों। हिंदी, कन्नड़ और तमिल 3 भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म कैप्टन मिलर, जिसका बजट लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन फिल्म ने 8 दिनों में अपने बजट से कहीं ज़्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग हासिल कर लिया। अगर बात करें कैप्टन मिलर के 3 भाषाओं के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 39.38 करोड़ रुपये का किया था। वहीं 7वें दिन फिल्म ने कमाई 3.51 करोड़ रुपए, आज यानी कि अपने 8वें दिन ऑल इंडिया नेट कनेक्शन कर रही है 2.80 करोड़ रुपए का। इसी के साथ कैप्टन मिलर का शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 45.70 करोड़ रुपए का। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 54.50 करोड़ रुपए का। बताना चाहूँगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में यानी कि विदेशों से 15.50 करोड़ रुपये का टोटल कमाया, और इसी के साथ कैप्टन मिलर का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70 करोड़ रुपए की रेंज में हो चुका है। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर में 70 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस सुपरहिट हो चुकी है।